अपनी जेब के अंदर गया और भाई अपने बड़े बड़े नेता जो हैं अपने मौज करके अपने निकल गए। आपको क्या मिला, क्या मिला आपको बताइए? आपको ये मिला, सच्ची बात है या नहीं बताओ? नहीं मिला ना। देखो मैं सच्ची बात कहती हूँ और गुरेज कभी नहीं करती। कोई भी आदमी कोई भी पार्टी का क्यों ना, कांग्रेस का ही बेशक, अगर भ्रष्टाचारी आदमी को, स्वच्छ छवि के आदमी को आगे नहीं लेकर आओगे, जो काम करना जानता है उसको आगे नहीं लेकर आओगे, तो नुकसान नेता का नहीं है भाई, नुकसान आपका है। आपके पांव पे कुल्हाड़ी आप खुद मार रहे हैं, किसी का कुछ नहीं जाता, खुद अपने मस्ती में रहेगा। तुमने वोट डाल दी जात पात के नाम पे, मैं फला जात का तो उधर डालू, फला जात का तो उधर डालू, तो ये जात पात की जब राजनीति हो जाती है ना शुरू, तो सबसे ज्यादा नुकसान उसका किसको होता है? नेता को नहीं होता, वो तो अपने जात के नाम अपने हवाले करके और अपनी वोट डलवा जाएगा, बाद में तुम्हारे को कौन पूछेगा? मानते हो ना इस बात? कोई नहीं पूछता बाद में। एक चीज होती है ये, और ये है वोट, और इस वोट के जरिए तुम बदलाव लेकर आ सकते हो, इस वोट के जरिए अपना भला कर सकते हो। तो आकलन करो कौन सही है कौन सही नहीं, अपने लोगों को मजबूत करो। हमारे जैसे अगर अभी तक जीत के गए होते, श्रुति अगर जीती होती, तो ये हालात, चाहे हम विपक्ष में बेशक होते, ये हालात हम नहीं होने देते। आज आपने देखा है कि जब ये इतना व्यापक घोटाला हुआ तो उसकी आवाज जोर शोर से विधानसभा में किसने उठाई? ये मैंने उठाई, क्योंकि तो शाम से मुझे चिता कर भेजा हुआ है और मेरे को डर नहीं लगता किसी से। जो नुमाइंदे हैं वो तो कोई यहाँ की बात ही नहीं करते, मानते हो इस बात को? भिवानी हमारा घर है और मुझे लगती है तकलीफ होती है और मेरे को गुस्सा चढ़ता है जब इस तरह का काम होता है, लेकिन हताश होके बैठना पड़ता है क्योंकि हाथ मजबूत नहीं है। अगर हाथ मजबूत होते मचा ले ये काम यहाँ पर, अगर कोई कर सकता, सच्ची बात है ये सब जानते हैं किस तरह से मैं काम करती हूँ। तो इसलिए अब बदलाव का समय आ गया है। चौधरी बंसीलाल जी के नाम से जो ये जानी जाती थी भिवानी, और खासतौर से छोटी काशी जिसको कहा जाता, कहीं चले जाते थे छोटी काशी, आज छोटी काशी का क्या हाल हो गया? बुरे हाल हो गए। श्रुति ने जो मेडिकल कॉलेज आपके लिए स्वीकृत करवाया था, 250 करोड़ रुपया दिलवाया, 10 साल पहले की बात है, 250 करोड़, छोटा मोटा पैसा नहीं होता। उसमें श्रुति चौधरी को नहीं जाना था, मैंने नहीं जाना था। मेडिकल कॉलेज भिवानी के लिए स्वीकृत इसलिए करवाया था कि भिवानी के लोगों को सहूलियत होगी, हमारे बच्चे कहीं और नहीं जाएंगे, यहाँ पढ़ लिखेंगे, हमारे जो ये हैं, हमारे जो बीमार हैं उनको कहीं हिसार, कहीं जयपुर, कहीं रोहतक, कहीं दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानते हो ना इस बात को? मानते हो आप लोग? ये इसलिए ये करवाया था। लेकिन आज 10 साल उपरांत विधानसभा में जब भी मैं प्रश्न पूछती हूँ, कहते हो रहा है, नाम बदलते रहेंगे, ईंट उसके ऊपर एक ही लगी। किसका नुकसान हुआ है? भिवानी का हुआ। यहाँ पे हमारे को रोजगार मिलता, भिवानी जो है जैसे आपने देखा है, रोहतक शहर जो है किस तरह से बदल गया एक मेडिकल कॉलेज के कारण, उस तरह से हमारी भिवानी नहीं बदल। देखे नहीं, भिवानी के लोग जो है वो बाहर, सुरेंद्र जी कहा करते थे मुझे, मैं तो दिल्ली की राजनीति में थी जब पिछली बार वो हारे, बड़े तकलीफ में थे, 2004 की बात है। और एक बात उन्होंने जो कही मेरे हमेशा जहन में रहती है, तो किरण ये भिवानी के जो हमारे अपने लोग हैं ये नहीं समझते कि ये जो बाहर वालों को ये जो जप्पी डालते हैं, ये आएंगे इनकी वोट लेंगे, सब कुछ करेंगे और काम कहीं और करेंगे। यही बात, ये
ये हमारे साथ जाती होती आई है, क्योंकि हम अपने लोगों को नहीं पहचानते। हमारे पास जो हमारा अपनी ताकत है, उस ताकत को हम मजबूत नहीं करते। आप देखते हैं मेरी आवाज सारी जगह होती है, मेरे बारे में 100 तरीके की चर्चा होती है। किस लिए होती है? कि मैं लड़ाई लड़ती हूँ। अगर मैं भी जी हजूर ही करके और वो कहते ना चाटना शुरू कर दूं, तो भाई मेरे को भी बड़े आराम से बैठूंगी मैं, समझ रहे हो आप। लेकिन मैं लड़ाई लड़ती हूँ किस लिए? मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए। मेरे को भगवान का दिया हुआ बहुत है। अब जो है वो केवल चौधरी बंसीलाल जी का सुरेंद्र का रास्ता दिखाया हुआ है, उस पर चलना है। मैंने श्रुति और भिवानी के लिए मैं लड़ाई लड़ती हूँ कि मेरे भिवानी के अंदर ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये लड़ाई लड़ती हूँ। और वो लड़ाई के अंदर जो है बीच में कोई भी आ जाए तो आप तुम जानते हो, फिर मैं लड़ जाती हूँ, फिर मैं नहीं डरती किसी, क्योंकि किसी का लेके नहीं खाया। राजनीति जो है एक धंधा नहीं बनाया, काम के लिए करा। ये मेरी माताएं बहनें जो बैठी हैं, इनसे पूछो, इनकी जान जाती होगी। आज गैस का सिलेंडर कितने का हो गया बहनों? कितने का हो गया? 1010 का हो गया। राजीव राजी क्यों करोगी ना, तुम राजी हो गए, तुम्हारे भी तो कपड़े लत्ते फाड़ती होंगे। घर में तो भाई देना तो तुम्हारे को पड़ता है, अगली को घर ने चलाना है। घर चलाना मुश्किल हो गया या नहीं हो गया बताओ? कोई आवाज उठाने वाला नहीं। आज के दिन कोई बात नहीं करता महंगाई की, भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की, कानून व्यवस्था की। यहाँ पे गोलियां चलती हैं। मजाल है जब हम यहाँ थे, किसी की आंख उठा के भिवानी की तरफ देख लेता था तो उसका मैं आप जानते हो किस तरह से काम करती। खुलेआम गोलियां चल रही हैं, खुलेआम लोग जो हैं घरों के अंदर घुस रहे हैं और वो क्या पिचकारी मारते हैं, बेहोश करते हैं और भाई जो कुछ है माल ताल लपेट के ले जाते हैं और पकड़े नहीं जाते। ये सबसे बड़ी हैरान की बात है। तो क्या हो गया, कानून व्यवस्था क्या हो गई? खत्म हो गई ना? हो गई कि नहीं हो गई? हाथ खड़े करके बताओ, हो गई नहीं हो गई? हो गई। ये हालात हो गए। ये हालात सब होते हैं तब जब नुमाइंदगी सही ना हो, आपकी आवाज उठाने वाला ना हो कोई। तो भैया दोगे तो चित्कार के सिर माथे पर, मजबूती दोगे इसको चिता कर भेजोगे तो मेरे हाथ भी मजबूत होंगे। श्रुति के टाइम अगर जीताओगे तो भाई फिर आगे की बड़ली लड़ाई चंडीगढ़ वाली भी लड़ूंगी, और चंडीगढ़ वाली लड़ूंगी तो भाई थारा ही फायदा होगा ना, इन छोरों का फायदा होगा, इलाके का फायदा होगा, महिलाओं का फायदा होगा। उस लेवल पे तो हूं ना मैं, तो ये लड़ाई तभी लड़ सकती हूँ जब तुम मेरी मदद करो, नहीं तो मैं कुछ नहीं हूं। मेरा घर अगर मेरा मजबूत है तो याद रखना कोई नहीं मेरा हाथ लगा सकता। हाथ मेरा घर मजबूत कर दो ना, जात पात की गंदी राजनीति मैंने करी। मेरे घर में चौधरी बंसीलाल के घर में कभी ये बात नहीं हुई, हम मानते ही नहीं इस बात। तो ये घर आप मेरा मजबूत करके दोगे जभी तो मैं कुछ आगे करने लायक रहूंगी। आज जो हालात हो रहे हैं हमारे बेरोजगारों के, क्या आवाज हम उठा सकते हैं अगर कोई बात हम कहीं हो ही ना? पार्लियामेंट में जो है आज के नुमाइंदे आवाज उठाते हैं क्या? आपकी किसी ने एक बार आवाज उठाई बताओ पार्लियामेंट में? नहीं। ये एक नया सिलसिला और शुरू कर दिया जो कल ये लेकर आए, मतलब हर एक की जेब के अंदर जो है ये पिस्तौल डाल देंगे और फिर जब 4 साल बाद आएगा बेरोजगार घूमेगा तो भाई तब नहीं मारेगा और क्या होगा, यही होगा ना। ये सारी बातें समझा करो जनता को। उसके आगे जो पर्दा था जुमलों का, झूठ का, वो हट गया या नहीं हट गया ये बता दो पहले। दो पक्का हट गया? तो भाई आप ही खड़े हो वहां, हट गया नहीं हट गया?
कितने दिन जुमले जो है आप खा खा के वो कहते ना बेहजमी करेंगे आप, सही बात है ना। जब हमारे को मूलभूत सुविधा, बाकी तो छोड़ दो, नौकरी पेशा धंधा छोड़ दो, जब सीवर घर में सड़ा रहा है, घर में सीवर भरा पड़ा है, सड़ रहे हैं, पीने पीने खातर हमारे दो रहे पानी कोनी, पीने के लिए पानी नहीं है, तो ये मूलभूत चीजें ही नहीं है, तो ये तो हम जो है पता नहीं वो जितना काम करा था वो तो फिर दोबारा से वो कहते हैं ना वो पुरानी आइस एज के अंदर फिर चले गए। हमारा जीवन स्तर ऊपर उठने का जाए बिल्कुल पीछे जाता जा रहा, सही बात है नहीं। तो ये कहानियां जो है आपसे मैं प्रार्थना करने आई, ये जात पात का सौदा मत मेरे मरने दो आवे तो। सच्ची कह रही हूँ, मेरे को पता ही नहीं चलता कौन सी जात है और कौन सी पात, सब बराबर है। काम करना है हमने तो जनता का काम करना है, तो भजनलाल जी ये जो है, भजनलाल कह रही हूँ, राम भजन अग्रवाल जी जो है चौधरी बंसीलाल जी के दाएं हाथ थे, दाएं बाएं हाथ दोनों थे भिवानी के अंदर, आप जानते हैं ऐसा परिवार है, वो कहते ना शालीन परिवार, ईमानदार परिवार, कोई धफा नहीं है, सच्ची बात है या नहीं। और जब ये इलेक्शन हो रहा था मेरे दिमाग में दो बात आई कि भाई या तो हमेशा जो है आप जानते हो मैं तो इसमें पढ़ती नहीं छोटे इलेक्शन में, लेकिन मेरे दिमाग में यह आया कि इस बार अगर हमने सही तरीके से नुमाइंदा नहीं दिया तो जिस तरह से नगर परिषद के अंदर ये हालात हो रहे हैं, अपना आदमी अगर हमने नहीं बिठाया तो आगे हालात और बुरे होंगे। इसलिए मीनू अग्रवाल जी को, मीनू तो नुमाइंदा है क्योंकि महिलाएं जो है महिला की सीट हो गई, मेरा तो बच्चन था ये नंदू बैठा है इसमें लड़ाती मैं, पर नंदू तो लड़ कौन सके क्योंकि महिला सीट हो गई, तो भाई परिवार का एक देना पड़ा ना ताकि नंदू भी हाथ जोड़े बैठा रहे। नंदू जी रसगुल्ले खिला दियो सबने, रसगुल्ले खिलाने में बहुत तेज है। तो ये सीधा साधे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, मेरे को मजबूती मिलेगी, ईमानदार छवि के लोग आपके सामने मैंने दिए, अगर कोई दूसरा कैंडिडेट होता मैं उसके लिए नहीं आता। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, समय आ गया है, बदलाव का समय आ गया है, बहुत हो गया, बहुत देख लिया, सब कुछ कहो पकड़ परख लिया कर लिया, अब समय है अपने आप के बारे में सोचने का। मेरे बारे में मत सोचो, इसके बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो कि हमारे लिए कौन सही रहेगा। अपनी आत्मा से, आत्मा जो आवाज़ दे उस आत्मा की आवाज़ के ऊपर डालो, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप नल का जो कहते हैं ना पानी का वो है, नल में से पानी निकल रहा है तो ये जल तो है अपना जीवन पानी का हो पड़ी, भिवानी का पानी काट दिया इन्होंने, पता होना चाहिए तुम्हारे को, 300 क्यूसेक पानी भिवानी का खत्म कर दिया है। मैं विधानसभा में चीखती रहती हूँ कि समान बंटवारा पानी का करें, हमेशा चुनाव के टाइम जुमला बना देंगे, एसवाईएल नहर आ रही है, कहते हैं ना एसवाईएल नहर आ जाएगी, उपवास रखेंगे एसवाईएल नहर के लिए, किसी एसवाईएल नहर आएगी वो तो चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई थी और उसको खत्म कर दिया है, कोई एसवाईएल नहर नहीं आएगी, झूठी बात मैं बोल नहीं सकती, मैं तो सच्ची बात बताऊं, लेकिन जो बंटवारा समान बंटवारा पानी का होना चाहिए, जो हमारा अधिकार है वो हमारे को नहीं मिल रहा, और मेरे हाथ मजबूत करोगे मन्ने दोगे भाई मैं बैठूंगी ऊपर, तो किसकी मजाल है तारा पानी काट दे कोई, मेरे टाइम पे पानी आता था पूरा या नहीं आता था, आता था या नहीं है बता दो भाई, सच्ची बात है। तो ये है, और वो तभी मेरी बात सुनी जाएगी जब मेरे कलम में कोई ताकत होगी, सही बात है ना। अभी भी जो है फिर भी सुन लेते हैं क्योंकि उन्हें मेरा यूं नहीं समझ में आती कि मेरा नहीं
फिर कहाँ के बैठ जाए अगली, डरते हैं इसलिए जो है काम हो जाता है मेरा। विधानसभा के अंदर भी ये बात जब मैं उठाती हूँ तो सुना जाता है। आप लोग तो सोशल मीडिया के ऊपर देखते होंगे, सोशल मीडिया पे देखते हो ना सारी बातें जो मैं रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, नल का निशान है, मीनू जी आपका काम करेंगी और इसके साथ जो है मेरा दम पीछे होगा, इसको जिता कर भेजोगे तो आगे काम भिवानी के लिए हम कर पाएंगे, नहीं तो भिवानी के लिए हम नहीं कर सकते। सच्ची बात, आप लोग जो है 19 तारीख को मैं यहीं होंगी, डरने की बात नहीं है, गुंडागर्दी वर्दी की जो है कोई सौदा नहीं है भाई। मेरे से बड़े बड़े गुंडे डरते हैं, बड़े बड़े नेता भी डरते हैं। 100 तरीके की बातें होती हैं, तुम्हें मालूम है मैं नहीं किसी से घबराती, क्योंकि जब राम का नाम लेना हो और कर्म अपना करना हो, किसी का कुछ उल्टा करना नहीं है, तो फिर किस बात का डर भाई, किस बात का डर। जनता की सेवा करनी है, जनता ने सेवा दी तो जनता की सेवा करेंगे, छुटकार के करेंगे भाई। और जनता अगर कहेगी कि नहीं तो भाई छुटकार के अपने घर बैठ जाएंगे और क्या है ना। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ के जा रही हूँ, मेरा घर है, मेरा परिवार है। आज चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र जी नहीं, इसलिए मैं ये सोचकर कि वो चीज़ जो है भिवानी का नाम निशान फिर दोबारा से वो उठे, उसी लिए काम करती हूँ। नहीं तो ये धूप धूल में वो कहते हैं ना छक्के खा वो धक्के खा के क्या जरूरत है मेरे को। आराम से अपने घर बैठूँ, अपने आराम से इधर उधर जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, लेकिन जो है ये सारा कुछ इसलिए है, खाली आप लोगों के लिए है। और उस दिन तक करूँगी जब तक भिवानी को शकर तक ना लेकर पहुँच पाऊँ, ये भी मैं बता दूँ। और जिस दिन वो शिखर पे पहुँचा दिया उसके बाद आपसे हाथ जोड़ के धन्यवाद करके उम्र मेरी बतेरी होगी, अब मैंने घर में बैठन दो, मैं फिर अपने आराम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रकूट से तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सब भाई वहां पर आए, हमारा समर्थन करें और हमारे साथ चले ताकि भिवानी के अंदर आवाज चली जाए। साइड से निकलो जी, मीनू जी आ गई, थोड़ा पीछे रहो जी। थोड़ा एक साइड में बांट दो ना, एक साइड में हो गए। सबको मिलेगा।